जल्दी आओ कोडी। बस आ रहा हूँ। हे कोडी। हाय फ्रैंकी, मैं तो बस। अच्छा, पहले अच्छी खबर या बुरी? फ्रैंकी, मैं तो अभी अभी ठीक है, पहले बुरी खबर सुनाओ ताकि बाद में कुछ अच्छा सुनने को मिले। याद है मैंने एक साइंस कैंप में जाने के लिए अप्लाई किया था, मुझे एडमिशन मिल गया। ये तो बुरी खबर नहीं है। तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, पर अच्छी खबर ये है कि अगर तुमने मैथ क्लास लिया तो तुम भी आ सकते हो। कोई बात नहीं, मैं रेस्क्यू टीम के साथ था और अभी मैं। पर अगर तुम कैंप के लिए नहीं आए तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। कोडी, हमें निकलना है अभी। मुझे जाना होगा, मैं जानता हूँ तुम्हें कैंप में मजा आएगा। कंग्रेचुलेशंस। तुम्हें साथ लाने के लिए माफी चाहती हूँ, जानती हूँ तुम फ्रैंकी से नहीं मिल पा रहे हो। हाँ, वो अपनी लैब में बिजी रही और मैं यहाँ अपने कामों में। पर तुम दोनों अब भी बेस्ट फ्रेंड्स हो, है ना? हाँ वो तो है, पर मैं तुम दोनों को अलग होते नहीं देख सकती। क्या अलग होने वाले? तुम्हारी बॉडी के कोई हिस्से तो नहीं है? छी, नहीं ब्लेड्स, हमारा वो मतलब। बचकर वो सोए थे चार बॉस कहीं पर, 40 सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। बचो! इस हुक को पकड़ो। ओ नहीं, मेरा बलून। क्या सब ठीक तो है ना? हाँ डैड, और देखिए कौन आया है। लगता है गड़बड़ी यहाँ हुई है। आप कैसे हैं? मैं चीफ बर्न्स हूँ। हाँ, आप अमेरिकन्स हैं। ये बताएंगे कि ये कौन सा साल है? कौन सा साल? माफ कीजिएगा सर, पर आप आखिर हैं कौन? हाँ, मैंने अपना नाम नहीं बताया, माफ कीजिएगा। मेरा नाम है जूल्स, जूल्स वन। ये वो नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जूल्स वन 18वीं सदी में एक मशहूर लेखक थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ लिखा तो जरूर है, लेकिन मैं अब तक मशहूर नहीं हुआ हूँ। हमारे स्कूल में बुक पढ़ाई जा रही है, 20,000 लीग्स अंडर द सी, पर ये बुक 100 साल पुरानी है। क्या आप यही जूल्स वन है? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। ये नकली है, मैंने भी उस किताब के बारे में सुना है और मैं कम किताबों के बारे में जानता हूँ। अगर ये सच में एक टाइम ट्रैवलर हैं, तो हो सकता है ये किताब लिखने से पहले वाले समय से आए हों। हो ही नहीं सकता, नकली है। केट, टाइम ट्रैवल, मुझे टाइम ट्रैवल से नफरत है। पर एक हॉट एयर बलून टाइम मशीन कैसे बन सकती है? मेरा बलून, वो है कहाँ? उसमें बहुत कुछ जरूरी चीजें रखी हुई है। हीट वेव और मैं उसे लेकर आ गए, बॉट्स उसे उतार रहे हैं। हीट वेव? द हीट वेव? क्या बात है, अब मुझे फिक्र नहीं है। एक मिनट, क्या आप उसे? हीट वेव मेरे हिसाब से हॉट एयर बलून मुश्किल से कंट्रोल होने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी है, पर वो तो अच्छे लगते हैं। हाँ, जब तक उसे पेड़ों के बीच से निकालना ना पड़े। बीप, बाकी के रोबोट्स वापस आ गए हैं। बीप पॉप बीप। मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। भविष्य की एक ट्रिप से मेरी मुलाकात एक बहुत ही एडवांस्ड, उसे क्या कहते हैं, साइबरट्रोनियन से हुई थी, याद आया। ठीक है, पहली बात, ये साइबरट्रॉन के बारे में जानता है, दूसरी बात, हमसे भी ज्यादा एडवांस कौन है, और तीसरी बात, ये वीवी क्या है? फ्रेंच में उसका मतलब हाँ होता है। रेस्क्यू बॉट्स, जूल्स वर्न से मिलो, ये हमारे पास आए हैं फ्रांस के पास्ट से। वर्न, जैसे कि वर्न डिवाइस, जिस औजार को डॉक्टर मोरक्को चेंबर ऑफ यूथ को पावर देने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या तुम मोरक्को को जानते हो? मैं उसी को ढूंढने आया हूँ, हम दोस्त हैं।
लेकिन उसका कोई भी दोस्त मेरे... रुको हीट वेव, मिस्टर वर्न क्या आप ठीक से बता सकते हैं? मोराको और मैं 1862 के लंदन एक्सपोजिशन में मिले थे। हमने आपस में साइंटिफिक खोज शेयर किए और जल्द ही मैंने उस पर भरोसा करके उसे दो प्रोटोटाइप डिवाइसेस दी जिन पर मैं काम कर रहा था। लेकिन जल्दी ही हमारी सोच अलग हो गई। मैं मानवता के विकास को बढ़ाने पर ध्यान देने लगा और मोराको सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगा। वो खुद को ज्यादा जवान, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अमीर बनाने के बारे में सोचने लगा। मुझे उसे रोकना चाहिए था लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे उससे अलग होना पड़ा। लेकिन आज सुबह पेरिस में 1869 की सुबह मुझे एक मैसेज मिला जिसमें सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स और आज की तारीख थी। और आपको लगता है कि ये मैसेज मोरक्को का है? और किसका हो सकता है? पर अब अपने बलून के बिना मैं वापस कैसे जाऊंगा? मिस्टर वर्न हाई टाइड से मिले, इनकी वजह से ही हमें ट्रांसपोर्ट मिल सका है। बहुत खूब। शायद शुक्रिया कहा आपने? कैच करने के लिए तैयार? बहुत अच्छे। एक लड़का और उसका मैकेनिकल डॉग। डॉगी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। सर वो एक साइबरट्रॉनियन हेल्पर बॉट है और ये बहुत ही अच्छा है। दोस्ती बहुत अनमोल होती है, ये कभी मत भूलना। हम कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गए हैं। कोई आइलैंड नहीं है, मेरे स्कैनर्स पर भी कुछ नहीं है। क्या हुआ सर? वो किसी चीज से टक्कर लगी है। डैड! कोई बात नहीं बेटे, मैं तो बस पावर अप एंड एनर्जाइज। डैड! ओह, आज तो मैं शिकार बन ही जाता। ये मछलियां आजकल कैमरा लगा के घूमती हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। वो खेलना चाहती है। लगता है वो चाहती है हम उसके पीछे जाएं। मुझे नहीं लगता कि वो वेल कुछ कहना चाहती है। पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाई टाइड शायद पानी के अंदर जाना होगा। ये काम मैं कर सकता हूँ। समंदर के नीचे की दुनिया कितनी सुंदर है। वाह, इसके बारे में एक किताब लिखनी चाहिए। एक और शिप का पता चल रहा है। डैड, मुझे लगता है वो नीमो है। ये नीमो क्या है? मुझे लगता है कि यही वजह है कि आपको यहाँ भेजा गया है। संभल कर, हम रुकने वाले हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है ऊपर एक और डेक है। तुम दोनों मेरे पीछे रहना। जूल्स, तुम आ गए, मैं जानता था। मोराको, वाह, डॉक्टर मोराको, आप तो काफी बूढ़े हो गए हैं। उस वेल के हमले के लिए माफ करना जूल्स। अगर पता होता कि तुम शिप पर हो तो मैं कभी उसे खतरे में नहीं डालता। तुम किसी को भी खतरे में क्यों डालना चाहोगे मोराको? मेरा इसके परिवार और रोबोट्स के साथ पुराना हिसाब किताब है। पर पहले
मेरे गले लगो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दोस्त। मुलाकात में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम मेरे साथ चल रहे हो मोरक्को। चीफ बंस, हमेशा की तरह ड्यूटी पर, क्या मुझे लेने के लिए आए हो? हाँ, तुम्हें ये सबमरीन वापस कैसे मिली? मुझे इसे वापस लेने के लिए अपने वन डिवाइस को उस पिंच वुमन को देना पड़ा। मैं उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, पर बिना उस डिवाइस के आपका चैम्बर ऑफ यूथ नहीं चल सकता। बहुत होशियार हो तुम बच्चे, पर डिवाइस देने से पहले मैंने एक चांस लिया। मुझ में भले ही खुद को बीते वक्त में ले जाने की शक्ति नहीं थी, पर उतनी शक्ति तो थी कि मैं कागज का टुकड़ा भेज सकूं, अपने पुराने दोस्त तक एक संदेश पहुंचा सकूं। और मेरे पुराने दोस्त करीब 140 साल पुराने, मैंने टाइम में ट्रेवल करने के लिए अपने डिवाइस का इस्तेमाल किया और तुमने अपने वाले से उसे रोका। मैं भी टाइम में सफर कर सकता था अगर तुमने अपनी शक्तियों को मेरे साथ शेयर किया होता तो। मैंने कसम खाई थी कि मैं उस राज को कभी नहीं बताऊंगा। अहम बात यह है कि तुम यहाँ आए और तुम्हारे डिवाइस से मैं अपने चेंबर ऑफ यूथ को चलाकर अपनी जिंदगी बचा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम इस्तेमाल कर सकते हो। माफ कीजिए मिस्टर वर्न, पर अभी यह आदमी एक वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन मेरे दोस्त का जुर्म क्या है? कहाँ से शुरू करें? नेनाइट्स हैं, मोरबॉट है और टीरेक्स है, वेदर मशीन भी। ओ, मुझे अपने कारनामे सुनना बहुत पसंद है। मोरक्को, मुझे दुख है कि तुमने किस तरह से अपने होशियारी का गलत इस्तेमाल किया है। ये वो नहीं है जिसे मैं जानता था, वही करो जो ठीक है। चीज, मैं चीफ बोल रहा हूँ, क्या तुम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए तैयार हो? मुझे लगा था मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, पर लगता है कि जबरदस्ती की भाषा ही तुम्हें समझ में आती है। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी वो मेटल खाने वाली एंट्स याद होंगी जिन्हें मैं फेरोमोन सिग्नल से कंट्रोल करता हूँ। मैंने उस टेक्नोलॉजी को और भी बढ़िया कर दिया है। अब मैं उससे समुद्री जीवों से बात कर सकता हूँ और जैसा कि तुमने पहले देखा होगा, उन्हें मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। दोस्तों, मुसीबत तुम्हारी तरफ आ रही है। किस तरह की मुसीबत? मुझे समंदर से चिढ़ होने लगी है। रेस्क्यू बोट्स, शिप को बचाओ। किसी जीव के इतने सारे हाथ नहीं होने चाहिए, वरना वो एक ऑफिसर को परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया साबो, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। चेस, इधर आओ बिल, इधर आओ मेरे पास। मुझे जो चाहिए वो दो, वरना मैं तुम्हारे रोबोट्स को बर्बाद कर दूंगा। ब्लेड्स, सबों को ले जाओ। जीत गए मोरक्को, हमले को रोक दो, मैं हार मान रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं चीफ, मुझे भी इस मामले में कुछ करने का मौका जरूर मिलना चाहिए।
क्या? वो तो, पर कैसे? तुम्हें वो मिला कैसे? काफी बड़ा है ना, हमारी टीम का नया मेंबर है। खेल खत्म हुआ मोरक्को। मैं हार मानता हूँ, पर वापस जाने पर मुझे चेंबर ऑफ यूथ इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए, वरना मैं कुछ ही दिनों में खत्म हो जाऊंगा। मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अब सजा काटने के लिए ज्यादा समय होगा नहीं, चलो। तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? बिल्कुल नहीं। क्या दोस्ती थी हमारी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फ्रैंकी, मैं हूँ। वो तो दिख रहा है। सुनो फ्रैंकी, मैं चाहता हूँ कि बस मैं ये चाहता हूँ कि हम इन दोनों की तरह ना हो जाएं। डॉक्टर मोरक्को, पर वो कौन है? मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये देखो। मैंने बस अपना काम किया जैसे कि तुमने, बस हमारे रास्ते अलग अलग थे। बिल्कुल नहीं दोस्त, रास्ता तो सिर्फ एक ही था और तुमने वो नहीं लिया। बकवास, मेरे सपने तुम्हारे सपनों से बड़े थे। मुझे जो करना था वो किया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ज्यादातर चीजें जो मैंने देखी हैं, उन्हें नापा जा सकता है सिवाय इंसान की इच्छाओं के। मुझे माफ करना मोरक्को, मैं एक अच्छा दोस्त बन सकता था लेकिन मैं वो नहीं कर सका। तो तुम्हें लगता है कि हम में से एक बुरा इंसान बन जाएगा, है ना? नहीं, वो बात नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स वाली बात, एक दूसरे से दूर जाने वाली बात मैंने तय कर लिया है। मैं एक्स्ट्रा मैथ कोर्स करूंगा ताकि मैं साइंस कैंप में तुम्हारे साथ जा सकूं। हमें मोरक्को और जूल्स वर्न की तरह नहीं बनना है फ्रैंकी। शुक्रिया कोडी। रुको, तो वो जूल्स वर्न है? मतलब कि दी जूल्स वर्न? मैं अभी आई। बलून ठीक हो गया है, ये उड़ने के लिए तैयार है मिस्टर वर्न। वाह, क्या बात है! क्या ये वही है? चीफ, मैं सोच रहा था कि मैं मोरक्को को बीते समय में लेकर जाऊं, उसे अपनी सजा उसी सदी में काटनी चाहिए। माफ कीजिए मिस्टर वर्न, पर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम आपके वक्त से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं उसके फिर से भाग जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। ठीक है। डैड, आपको तो पता है ना मोरक्को कैसे वर्न डिवाइस से लोगों की याददाश्त मिटा देता है, क्यों ना हम भी उसके साथ यही करें? बुरा बनने के बाद की उसकी सारी याददाश्त मिटा देते हैं। ये बढ़िया है, पुरानी याददाश्त से मेरे दोस्त को एक और मौका मिल सकता है। पर अगर आप इस मोरक्को को ले जाएंगे तो उसका जवान रूप पहले से ही आपके समय में मौजूद होगा, क्या दोनों वहाँ रह सकते हैं? सॉरी, क्या मैंने तुम सबको बताया मुझे टाइम ट्रैवल से नफरत है? वो भी है, मैं उसे भविष्य में ले जाऊंगा, वो वहां पर रह सकता है, मैं उससे मिलने जाऊंगा, हमारी दोस्ती फिर से गहरी हो जाएगी। डैनी, चलो चलकर जेल से अपने मेहमान को ले आते हैं। मिस्टर वर्न, मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ। क्या ये एनर्जॉन है? ये मेरा एनर्जी सोर्स है और ये एक बहुत ही खास तरीके से मेरी डिवाइस से संपर्क करता है जिससे हम समय में सफर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप मिले थे, मेरा मतलब मिले हैं ऑटोबॉट से? मैं भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, किसी को भी अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहिए भले ही वो कितना ही जरूरी हो। इसका क्या मतलब है? पता नहीं, अगर उन्हें मुझसे कुछ कहना है तो आकर कह देना चाहिए, भले वो फ्रेंच में क्यों ना हो। ठीक है डॉक्टर। वो भाग गया। एनर्जॉन, उसका एनर्जी सोर्स। नहीं मोरक्को, रुको, ये एनर्जॉन तुम्हारा आखिरी तोहफा होगा मेरे दोस्त। बलून को नीचे ले आओ। मैं और नहीं पकड़ सकती। अगली बार किसी हॉटर बलून को रोकने से पहले अपने हेलमेट पहनना मत भूलना।
तुम्हें देखकर खुशी हुई चेस? अब तो शायद और भी दूर जाने का वक्त आ गया है जूल्स। क्या? नहीं। रोको, तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सफर काफी एडवेंचरस रहा। अलविदा मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे। काश मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया होता। क्या किसी को आरे वॉ का मतलब पता है? मतलब कि हम फिर मिलेंगे। अब भी इसका मतलब समझ नहीं आया। तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम उनसे भविष्य में मिलोगे, वो बस तुम्हें बताना नहीं चाहते थे। ओप्स, शायद मुझे भी तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए था। इसका मतलब हुआ नहीं, टाइम ट्रेवल से मुझे अब भी चिढ़ है। तुम्हें लगता है कि जूल्स डॉक्टर मोरक्को की याददाश्त मिटा पाएंगे? उम्मीद करते हैं उसके अच्छे हो जाने से भविष्य काफी सुरक्षित होगा। अगर वो भविष्य में पहुंच गए होंगे तो मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे, और शायद वो फिर से दोस्त बन गए थे। मुझे इतनी अच्छी जगह लाने के लिए शुक्रिया जूल्स। तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। ओ जरा देखो, शानदार है।